आज मेरा मन है थोड़ा भगाते हुए चलने का, कल मुझे पूरा एक हफ्ता हो जाएगा राइड पे निकले हुए। ओके बाय बाय। पर ये होता है कि भाई जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाए ना भाई, तुम्हें हैंडल भी अकेले करनी पड़ती है। तो भाई मेरा सोलो ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत, अरे अरे तू कहाँ से आ गया, तू कहाँ से आ गया। सो देख रहे हो भाई कितना ट्रैफिक होता है यहाँ पे होली के टाइम। मैं क्या कर रहा है, क्या पता था मैं आ रहा हूँ, पता था आप लोग कहाँ चले हो। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ मामा के घर से, आज मैं जा रहा हूँ अपने घर फाइनली। सो यहाँ से है पूरा 100 किलोमीटर। सो आज 100 किलोमीटर बाइक चलानी है और उसके बाद पहुंच जाएंगे हम घर। तो चलते हैं, चल के मिलते हैं घर वालों से। आज मेरा मन है थोड़ा भगाते हुए चलने का, क्योंकि ट्रिप के टाइम ना भाई इतनी नहीं भगा रहा था, मैं नॉर्मल स्पीड पे चल रहा था। सो आज थोड़ा ना भगाते हुए चलेंगे। सो गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ बाईपास, और बाईपास होके चलेंगे, मार्केट से नहीं जाएंगे आज। सो गाइस कल मुझे पूरा एक हफ्ता हो जाएगा राइड पे निकले हुए, पूरे भाई एक हफ्ते से ना भाई बाइक राइड कर जा रहा हूँ डेली। आज फाइनली घर पहुंच जाएंगे, और बाकी बाइक ना वॉश भी करवानी है, इसकी ब्रेक्स भी साफ करवानी है। इस वाले ट्रिप पे ना भाई बुलेट के साथ ऑफ रोड भी बहुत ज्यादा हो रखा है, काफी स्लश में भी चली है। सो भाई हर जगह ना भाई मिट्टी मिट्टी हो रखी है बाइक में। कल या परसों उसको कराएंगे अच्छी तरह वॉश, फिर शोरूम जाके इसकी ब्रेक्स क्लीन करवाएंगे। सो गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं पक्का प्रो, और यहां पे अपना एक भाई है उससे मिलते हुए निकलूंगा यहां से। चल ना, चलो फिर मैं, तूने कब आना, ठीक है फिर मिलता हूं फिर तेरे को बाद में ना। ओके बाय बाय। सो गाइस फाइनली मैं पक्का प्रो से भी निकल चुका हूं, चलते भाई से भी मिल लें, अब चलते हैं यहां से। सो गाइज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना इस सोलो ट्रिप का, तो भाई मेरा सोलो ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत सही रहा। देखो ग्रुप में होते हो तो भाई टेंशन फ्री होकर राइड कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम्हारे साथ बंदे होते हैं। सोलो ट्रिप में ये होता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे मेरी बाइक का टायर पंक्चर हुआ या बाई चांस कुछ भी मैकेनिकल इशू आता है बाइक में, तो भाई तुम्हें ना सब ना अकेले मैनेज करना पड़ता है, जो भी प्रॉब्लम होगी अकेले हैंडल करनी पड़ती है। सोलो ट्रिप में भाई मजा तो काफी आता है, जहां मन करे भाई वहीं रुक जाओ, जैसे मर्जी चलो, आराम से चलो, भगाओ, जो मर्जी करो। पर ये होता है कि भाई जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाए ना भाई, तुम्हें हैंडल भी अकेले करनी पड़ती है। मेरी ना ज्यादा राइड जो होती है ना वो सोलो ही होती है, ट्यूब वाले टायर के साथ ना दिक्कत तो देखो होती है, अगर पंक्चर हो जाएगा ना भाई कभी, अगर बाई चांस रात में कहीं गलत जगह पंक्चर हो गया ना टायर, तो भाई मैं तो परेशानी हो जाऊंगा। I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall. इस फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं रंगस। मैं क्या कर रहा, क्या देख रहे हो, हिमाचल में ना भाई पहाड़ों में 100 किलोमीटर राइड करना है, पर मैं ना भाई इसमें थकूंगा नहीं। जब वापस दिल्ली जाना होता है भाई, उस टाइम भाई सोच के ऐसा हो जाता है कि भाई कब जाके पहुंचेंगे, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट रोड है कि स्पीड में भाई सीधे चलते रहो, वही उसमें ना बोर हो जाते हैं। अब पहाड़ के भाई 100 किलोमीटर में हल्का हल्का थका तो देते हैं, पर भाई इनमें ना बंदा बोर नहीं होता है, इनमें राइड करने का ना अलग ही मजा आता है। अब यहाँ से अंदर से सिंगल रोड से निकलूंगा, नदौन होते हुए नहीं जाऊंगा, यहाँ से चलेंगे हम सिंगल रोड से। गाइस ये पहुंच गया मैं मेन रोड पे।
सो यहाँ से ले लूंगा अब लेफ्ट, और अभी यहाँ से दिखाता हूँ नदोनिया से, देखो सीधा 1 किलोमीटर है और अंब है यहाँ से 37, तो ऑलमोस्ट आधे घंटे में मैं अंब पहुंच जाऊंगा, आधे घंटे से भी कम ही टाइम लगेगा वैसे, क्योंकि आज मैं थोड़ा खींच के चल रहा हूँ। अभी मम्मी और भैया को पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ, मेरी बात सिर्फ निकलते टाइम डैडी से हुई थी, तो डैडी से कहा था मैंने कि मैं निकल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मम्मी और भैया को भी पता नहीं, डैडी ने बता दिया तो पता नहीं, फिलहाल पर उन्हें पता नहीं है। गाइस आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, मैं जब जाओ से आ रहा था पीछे वाली ब्रेक काम ही नहीं कर रही थी, तो अभी एक चीज दिखाऊं, अभी चेक करवाता हूं। अभी भी ना भाई ब्रेक में इश्यू है, क्योंकि वहां पे ना उनके पास टाइम काफी लगना था, ब्रेक शू खोल के क्लीन होने थे और फिर सेट करना था उन्होंने, तो मैंने कहा था भाई तुम ऐसे थोड़ा बहुत करके दे दो। ये देखो अभी दिखाता हूं, ये देख रहे हो मैं पूरा ब्रेक पे कहां जाके रुक रहा, देख रहे हो अभी ना मैंने बिल्कुल ब्रेक दबा दी हुई थी पर बुलेट नहीं रुक रहा था। गाइस फिलहाल बुलेट में पेट्रोल की लाइट भी आ रही है, पर घर पहुंच ही जाऊंगा इतना तो मेरे को पता ही है, तो मैंने इस चक्कर में आज पेट्रोल नहीं डलवाया है। इस टाइम ना सूरज भी ना भाई बिल्कुल सामने है ना, तो भाई इस टाइम ना फुटेज भी ना एकदम मस्त आ रही होंगी। मैं पहुंच चुका हूं अंब। अरे अरे तू कहां से आ गया, तू कहां से आ गया। सो ये देख रहे हो भाई आज इतना ट्रैफिक, तो मैडी मेला होता है होली के टाइम ना भाई, मैडी वाली साइड ना पीछे आपने देखा ही होगा टाइम लैप्स में भाई बहुत गाड़ियां थी, सो ना ये सारा ट्रैफिक लगा होता है, मैडी तक ट्रैफिक ही मिलता है होली के टाइम। सो फाइनली एक हफ्ते की राइड के बाद मैं आ चुका हूं हिमाचल अपने घर, घर जाके मिलेंगे घर वालों से। सो देखते हैं मम्मी और भैया को पता है मैं आज आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, वो मेरे को पता नहीं है, वो जाके पता चलेगा। सो डैडी को तो मैंने कॉल कर दी थी निकलते टाइम। सो देख रहे हो भाई कितना ट्रैफिक होता है यहाँ पे होली के टाइम, सारा भाई मैडी मेला लगता है ना, तो उस चक्कर में ट्रैफिक ट्रैफिक होता है हर जगह। सो चलते हैं यहाँ से राइट। अरे अरे तो गाइस मैं भी रुका हूँ और अपनी स्कोर पे वो जा रही है, तो घर वाले जा रहे हैं तो उनको कॉल करता हूँ, उन्होंने देखा ही नहीं। पता था मैं आ रहा हूँ, पता था कहाँ जाने का। अब मैं जा रहा हूँ डैडी के पास, वो खड़ी अपनी स्कॉर्पियो सामने राइट साइड, वहीं चलते हैं और मिलते हैं डैडी से। मम्मी और भैया से तो मिल लिया हूँ, अब इनसे मिलते हैं। आप लोग कहाँ चले हो?